अस्सलामु अलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और एक कप दाल मैंने माप के मैयर करके निकाली और कहा जी आप सबको बोलूँ मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नहीं जी, इंडिया वाले भी है कुछ साढ़े फैन, तो सबको गुड मॉर्निंग है। और आज देखें जी, दो दो चीज़ें एट अ टाइम पकाएंगे और दो हाथ जो है वो यूज़ करके, दाएं और बाएं मैंने रख लिए। एक जगह रखी हांडी और एक जगह रखी चावल। हांडी मींस सालन और राइस। अच्छा जी, तो प्लान ये था कि सालन में बनाएंगे दाल मूंगी की और दूसरी तरफ बना लेंगे थोड़े से जीरे वाले चावल। तो ये जनाब अब टमाटर ऐड हो रहे हैं, लहसुन प्याज थोड़ा सा ब्राउन करके पानी डाल के टमाटर डाल के जनाब आपके सामने मसाला तैयार हो रहा है। आफ्टर एडिंग ऑल द स्पाइसेस, नमक शमक हल्दी शल्दी डालने हैं आप, जो भी आपकी चीज़ें डालनी हैं। तो सब्सक्राइब करें जी, लड़की बेचारी उछल उछल के कह रही है तो तुहानू फिर भी नहीं असर हो रहा कोई तो। अच्छा जी, आज बड़े मज़े का दिन होने जा रहा है क्योंकि आज हमारा प्लान था टू अटेंड वलीमा सेरेमनी ऑफ माय बिलव्ड कज़न्स। तो दोनों जनाब कज़न्स थे, दोनों मामू के बच्चे थे, एक मामू का बेटा था और एक मामू की बेटी थी, यानी कज़न्स ही थे आपस में जिनकी हमने जो है वो आज वलीमा अटेंड करने जाना था। तो जनाब बड़ा मज़े का आज मौसम था, बड़े खुशगवार मोड में, और क्योंकि रात को वेडिंग एनिवर्सरी अटेंड करने की भी वाइब्स थी माइंड में, और बड़ी खुशगवार मूड में जनाब हमने खाना शाना बनाया। खाना आपके सामने दाल डाल के बिस्की बनाई हो रही है और दूसरी तरफ आपने मसाला भून के थोड़ा सा, और लाइट से चावल बनाने हैं ना, जीरे वाले चावल। तो मैं ये दाल बनाई हो रही है, कितनी खूबसूरत दाल है माशाल्लाह, और इसकी बनाई हो रही है। दूसरी तरफ जनाब चावल जो है वो पानी उसका बॉयल हो रहा है, और सेंटर में मैंने रखा जो एग के मेरी जो है वो लिटिल 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 प्रिंसेस एंजल जो है वो खाएगी। आजकल बीमार हुई हुई है तभी ये ज़रा नसाज है, बट उसने बस ज़रा सही टेस्ट ही किया आजकल चीज़ें, तो जस्ट टेस्ट कर रही है। अब जनाब दिस इज़ अ पॉइंट कि दाल की बुनाई के बाद आपने पानी ऐड कर लेना है हसब ज़रूरत, जितनी आप पतली चाहते हैं ज़्यादा पतली ज़्यादा ज़्यादा कर लें, और अगर कम चाहते हैं ज़रा गाढ़ी गाढ़ी खाना चाहते हैं तो कर लें। मैंने अपने उसके हिसाब से जो था वो पानी ऐड करके अब इसको जो है अब वैसे भी बगैर प्रेशर के भी पका। तो जनाब जब बगैर प्रेशर के आप पकाएं तो वो भी जल्दी बन जाती है, आपने ढांप के वेट करना था, लेकिन कुकिंग जो है वो मुझे झटपट ही पसंद है। इतनी देर किचन में खड़े होना जो है वो नहीं अच्छा लगता मुझे, कोई और बंदा काम समेट लेता है ना, नाल की हो गया थानू। अच्छा जी ठीक है जी, अब प्रेशर चढ़ गया और अब दूसरी तरफ जो है वो पानी ऐड कर दीजिए। उसके बनने का इंतजार अंडा फुल अपने आन बान छान और अबो ताप के साथ था वो बॉइल हो रहा था। अच्छा जी जनाब, तो शादियाँ जो कि शादीशुदा लोग हैं वो तो जानते होंगे कि ये जो दिन होते हैं, शादी का दिन, वलीमे का दिन, बारात का दिन, मेहंदी का दिन, ये दिन बड़े खूबसूरत होते हैं, इतने मज़े के, और आप इसमें मूड्स आपके इतने मज़े के होते हैं, सारे लोग आपको देख के इतने खुश होते हैं, आपके अम्मा बच्चे
होना, खूबसूरत होना और हसब नसब होना, ये सारी चीज़ें होंगी तो एट द एंड जो है काबिल होंगी, आप अच्छी काबिल होंगी और नौकरी करती होंगी तो आपका जो है वो रिश्ता अच्छी जगह पे हो जाएगा। बचपन से ही एक लड़की को, मासूम को ना इस डगर पे चला दिया जाता है। तो ये जनाब रात को वलीमा सेरेमनी थी, बस आप खामोशी से म्यूज़िक सुने। वाह, और ये पीछे जो ग्रे से एक लड़का लगा हुआ ना, ये जो लड़की मुस्कुरा रही है, मेरी मदर इन लॉ बाबा कह रही थी कि ये तो आपकी पिक्चर लगाई हुई है बड़ी करके। मैं कह जी मेरी ही है। तो कहती हैं कि ये आपने ये जो बोट फॉर्म का जो गला पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? मैं कह जी नेक्स्ट टाइम नहीं पहनूंगी। और सॉन्ग इतना क्लासी था ना जनाब, लो सफ़र शुरू हो गया। वाह, और इतना मज़े की वाइब्स थी और शादी वाला माहौल था। और ये देखें प्यारे दूल्हा दुल्हन हमारे अपने घर के बच्चे, बड़ी खुशी होती है जब आपको के अपने घर का फंक्शन होता है और इस तरह आप चाहते हैं। लो जी खाना खुल गया, सबसे पहले दही भल्ले आए और बाकी सारे खाने भी आते जाएंगे। तुसी देखते जाओ, मैं तुहानू कहानी सुनाती जानी हाँ। तो जनाब बचपन से ही ना लड़की को कहा जाता है कि भाई आपने ये करना है तो फिर आप होगा, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक ना ये नसीबों का क्राइटेरिया ही समथिंग एल्स। मैंने बहुत सी लड़कियाँ देखी हैं कि ना यानी शक्ल सूरत होती है ना, हो ना कह लो काबिल होंदिया ने, लेकिन नसीब के मामले में माशाल्लाह बड़ी आगे होती हैं। तो अल्लाह का क्राइटेरिया है जो है ना, मोरल ऑफ द लेसन स्टोरी इज़ दिस कि जो क्राइटेरिया अल्लाह का ना, दैट इज़ समथिंग एल्स। ये नहीं है, ये दुनिया का क्राइटेरिया है कि कुड़ी सोहनी होए तो कि ना पढ़ी लिखी होए, नौकरी कर दे ना। बड़ी बड़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जो विदाउट दीज पॉइंट्स वो राज कर रही हैं। और अपने इर्द गिर्द देखें, आप कहेंगे वाकई भाई यस शी इज़ राइट। और ये जनाब फिरनी थी इतनी लजीज, सारे जो खानों के आइटम्स हैं ना उसमें से मैं इसको जो है वो टन आउट टन दूँगी। अच्छा लोग कहें कि मेरी बल्कि सिस्टर की जो थी सासू माँ, वो भी ऑब्जर्व करी थी ये क्या यार हर चीज़ की वीडियो बनाई जा रही है। उनको नहीं पता है हर क्रिएटिड है यूट्यूब चैनल, तो थोड़े लिए देखो है काम भी करने पैदे ने सानू। तो ये देखें इतनी मज़े की थी और खाना सारे बहुत अच्छा था। चिकन कौरमा था, नान था, राइस थे और फिरनी थी, स्टार्टर में दही भल्ले थे। और इस होटल की जो जो है ना क्या कहते हैं दही भल्ले बहुत डिलीशियस होते हैं। तो जनाब बच्ची मेरी थी थोड़ी सी डाउन से, इसको घर छोड़ के गई थोड़ी, फिर पता बच्चे बीमार हो तो इनकी ख्वाहिशें सारी कोशिश होती पूरी करें। तो ये चीज़ उसके आगे मैं रख रही थी, बट शी इज़ वॉज नॉट ईटिंग। ये मेरा जी ड्रेसअप था, मेरा जूता जो था वो बोरजान का था और ड्रेस जो है ये अच्छे इस पर मोतियों का काम हुआ हुआ था। मैं आपको थोड़ी सी अपनी लुक दिखाई जाए। और मेहंदी का नील पेंट में टाइम ही नहीं मिला उतारने का, तो लेकिन मैं आ चुके थे उसमें थोड़े से शेड्स आ रहे थे वो वाले हाथों का। और नीचे पाँव का जो था मैंने रेड लगा लिया था, बाकी रिंग्स पहनी थी और हम तैयार हो गए थे। तो अल्लाह ताला जी सबको खुशियाँ दिखाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। खुशी खुशी जो है आप लोग सब, खुशियों के दिन भी बड़े मज़ेदार होते हैं और बेशक अल्लाह के हुक्म से सबकी ज़िंदगियों में गम और खुशी सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है। तो अगेन गाना प्ले किया, हम उसी से सुनते हैं आपके लिए। और आज का गाना सब्सक्राइब करें।